बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल MBS पाकिस्तान और मैं मोहम्मद यासिन खान। और आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ एक बहुत ज़बरदस्त सी ट्विटर कॉरेस्पॉन्डेंट जो आपस में हुई है। अच्छा, आपको बता दूँ, जैसे PSL जो है सीज़न 5 जो था वो तो पाकिस्तान में कोविड की नज़र हो गया और उसके फाइनल्स और सेमी फाइनल्स नहीं हो सके, लेकिन PSL 6 आने वाला है। और PSL 6 के लिए एक आपको पता है जो टीम्स हैं पाकिस्तान की PSL की, पिशावर जुल्मी, कोटा ग्लैडिएटर, मुल्तान सुल्तान, कराची किंग, इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर, अच्छा इन सब ने अब जाहिर सी बात है जोश खरोश बढ़ गया है, चीज़ें बहुत सारी हो गई हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर एक बड़ा वर्ड है जो कि टीम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हर टीम ने अपना हर साल का एक ब्रांड एम्बेसडर रखा होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं पेशावर जुल्मी की, और पेशावर जुल्मी जो है वो 2015 से टीम लॉन्च हुई, इसको ऑन करते हैं जावेद आफरीदी साहब, ठीक है। और इससे पहले भी काफ़ी सारे, मैं आपको बताऊं, काफ़ी सारे लोग जो हैं पेशावर जुल्मी के साथ अटैच रहे एज अ ब्रांड एम्बेसडर। इसमें सना जावेद हैं, गुल पनारा हैं, मायरा खान हैं, हुमैमा मलिक हैं और हमज़ा अली अब्बासी हैं। लेकिन अब जो एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, ट्विटर पे जो ऑनर हैं जावेद आफरीदी, उन्होंने लोगों को ट्वीट करके पूछा था कि क्या आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट सीज़न के लिए PSL 6 के लिए वो टर्किश अदाकार जो अर्तुगरुल गाजी यानी कि इंजन अल्तान और हलीमा सुल्तान इसरा बाजिक, उनको अगर एम्बेसडर बनाया जाए तो कैसा रहेगा। लोगों से पूछा, लोगों ने बड़े अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि बिल्कुल ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात होगी। फिर इनकी डायरेक्ट बात हुई तो ये ट्वीट इन्होंने ऑफ़र करी इरसा बैजिक को, जो कि हलीमा सुल्तान जिनका अर्तुगरुल गाजी के अंदर नाम है, असल ये टर्किश अदाकारा हैं इरसा बैजिक। और इनको इन्होंने जब ट्वीट किया तो ट्वीट से जब कॉरेस्पॉन्डेंट हुई वो बड़ी हर जगह पर लगी, और फाइनल उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द एक अच्छी न्यूज़ जो है वो सुनाने वाली है। तो मे बी शी विल बी द नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेशावर जुल्मी। और जी क्या ज़बरदस्त होगा अगर पेशावर जुल्मी का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो इरसा बैजिक यानी कि हलीमा सुल्तान हो, और साथ में जो है वो अर्तुगरुल गाजी, क्योंकि इनको इस ड्रामा सीरियल की वजह से बड़ी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में मिली है। इतनी पॉपुलैरिटी तो पाकिस्तानी एक्टर्स को नहीं मिली, और फिर से कोई रिएक्शन शुरू हो जाएंगे पाकिस्तानी एक्टर्स के कि उन्हें पीछे हटा दिया गया। बहरहाल पाकिस्तानी आवाम तो चाहती है कि पाकिस्तान और टर्की की ये दोस्ती आगे भी लॉन्ग टर्म चले। तो लेट्स सी इस ट्विटर के जो भी कन्वर्सेशन हुई है इसके मुताबिक क्या इरसा बैजिक जो है यानी हलीमा सुल्तान वो पेशावर जुल्मी को ज्वाइन करती हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर, और अगर करती हैं तो क्या रिस्पांस होगा पाकिस्तानी अवाम का, क्योंकि वो तो मिलना चाहती है, देखना चाहती है इस ड्रामे के बाद जो पजीराई उनको पाकिस्तानी तमाशाइयों से मिली है वो शायद उनको टर्की में भी ना मिली हो। तो बेस्ट ऑफ लक पेशावर जुल्मी, बेस्ट ऑफ लक जावेद आफरीदी, बेस्ट ऑफ लक। एंड इरसा बैजिक, बेस्ट ऑफ लक, वी विल बी वेरी हैप्पी अगर आप पाकिस्तान आते हो जब ब्रांड एम्बेसडर पेशावर जुल्मी। एंड लेट्स सी। अच्छा जी, ये तो एक खबर थी, और चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लेना ताकि मेरी अपडेट आपको मिलती रहे। बहुत सारी चीज़ें करता रहता हूँ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस चैनल पर होती हैं MBS पाकिस्तान पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्या हलीमा सुल्तान को पेशावर जुल्मी के ब्रांड एम्बेसडर PSL 6 में होना चाहिए या नहीं। अल्लाह हाफिज़।